Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martin Dilbridge, Ajmer. Estron, Unisex Salon, Kacheri Road, Ajmer. Salon, jo aapko deta hai style. Jai Hind, main Lalit Khatri aur aaj MTTV India par baat kuch dil chhu lene wale startups ki. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च किया और मिशन के लॉन्च होने के साथ ही शुरू हो गया उन ख्वाबों को पढ़ लगना जो पैसे की कमी के कारण पूरे नहीं हो पा रहे थे। मिशन लॉन्च होने के साथ शुरू हो गया ख्वाबों का सच में बदलना और इससे देश में नए स्टार्टअप्स की जैसे बाढ़ सी आ गई। कुछ स्टार्टअप खुद को साबित करने के लिए, कुछ देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, तो कुछ किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकासशील भारत को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए थे। और एक ऐसे ही स्टार्टअप की जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। 2019 में मुंबई की दिव्यांशी शाह ने जानवरों के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया। दिव्यांशी को इस स्टार्टअप की प्रेरणा तब मिली जब उनके प्यारे पेट डॉग हेजल को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉग हेजल की समय पर सही इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई और इसी मौत के बाद तैयार हुआ पेट कनेक्ट, जो कि आवारा और पालतू दोनों तरह के जानवरों की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। पेट कनेक्ट एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जो वेबसाइट और ऐप के द्वारा जुड़ी हुई है। पेट कनेक्ट पर लोग अपने पालतू जानवरों की जानकारियां, तस्वीरें आदि शेयर कर सकते हैं, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सुरक्षित रख सकते हैं। इनमें एक इमरजेंसी की स्थिति के लिए भी सुविधाएँ दी गई है, जिसके द्वारा उसके यूजर्स आवारा जानवरों की जानकारी एनजीओ और जानवरों की एम्बुलेंस आदि को कर सकते हैं। इसके साथ ही पेट कनेक्ट के द्वारा आप जानवरों के लिए खून की मांग भी कर सकते हैं। पेट कनेक्ट स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य पेट केयर से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराने वालों और सुविधाओं की तलाश कर रहे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है। पेट कनेक्ट पर जानवरों के लिए तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने वालों और पेट केयर के प्रति सजग लोगों के बीच सीधा संपर्क हो सकता है। पेट कनेक्ट पर जहां इसका उपयोग करने वाले यूजर्स को ट्रेनिंग, हेल्थ, फूड, इवेंट्स आदि से जुड़े जरूरी टिप्स और जानकारियां मिल सकती है। साथ ही ऐसी कोशिशें हैं कि भविष्य में यूजर्स अपनी कहानियां और अनुभव आदि भी इस पर साझा कर सकेंगे।